तुम सब जगह लिख जैन न्याय, जैन न्याय, ठीक है। ओम नमस्ते भ्या। धर्म तीर्थभ्यस्तु शारदादिभ्यो नमो नमः। विश्वाद महावीरांतेभ्यो स्वात्मोपलब्धे नमोरियंतान नमोस्तान नमोरिणु नमसौ साणु पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान भट्ट कलंक स्वामी की। परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की। इन सभी विश्व धर्म की। बैठो किसी व्यक्ति ने कहा, अति दृश्य अनुपलब्धि एवं निश्चित साधना। दृश्य की अनुपलब्धि ही भाई कठिन विषय है, आपसे पहले बोल दिया है शांति। दृश्य अनुपलब्धि, दृश्य अनुपलब्धि ही निश्चित का कारण है। ऐसा एकांत मान रहा है कोई, दृश्य अनुपलब्धि ही निषेध का कारण है। दृश्य अनुपलब्धि, जो दृश्य की अनुपलब्धि है वही निषेध का कारण है, न अदृश्य अनुपलब्धि। अदृश्य अदृश्यानुपलब्धि नहीं, अदृश्य की अनुपलब्धि नहीं, दृश्य की अनुपलब्धि निषेध का कारण है। अरे अदृश्य की अनुपलब्धि भी तो निषेध का कारण बन सकती है। जो एकांतिक मानता है दृश्य अनुपलब्धि ही निषेध का कारण है, अदृश्य अनुपलब्धि निषेध का कारण नहीं है। चलिए दृश्य अनुपलब्धि, पहले इस शब्द को सुनिए आप। दृश्य अनुपलब्धि, जो दृश्यमान है वो दृश्य, ये क्या है, दृश्य दिखाई देता है, इसकी अनुपलब्धि। ये नहीं है यहां पर पेन, निषेध हो गया, ठीक है। अब जो दृश्यमान नहीं है उसकी अनुपलब्धि निषेधवान नहीं है क्या? अब अदृश्यमान क्या, अदृश्यमान क्या, जैसे कि, जैसे कि जैसे कि जो चतुर्द्री का विषय नहीं है वो अदृश्य, वो अदृश्य, उसकी भी तो अनुपलब्धि हो सकती है। जैसे कि उसकी अनुपलब्धि का शरीर में आत्मा नहीं है, दृश्यमान नहीं है, अनुपलब्ध है, तो निषेध हुआ कि नहीं? हवा कम चल रही है, बोले हवा नहीं चल रही है, उपलब्धि का निषेध हुआ कि नहीं? अब ये क्या हो रहा है, सुनो। आप किसी भी दर्शन के मनुष्य हो, पुनीत सागर जी, सुरेश सागर जी, किसी दर्शन के होने से मैं आपको प्रमाणित नहीं मानता। अभी हमारा विषय आस्था वाला नहीं चल रहा है, ज्ञान वाला चल रहा है, प्रमाण वाला चल रहा है। आस्था वाला ऐसा होता है, आप लोगों को आस्था है, आप हर पत्थर को परमात्मा के रूप में देखते हो, लेकिन हम परमात्मा के रूप में उसी पत्थर को देखते हैं जिसकी आपने मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा की है। और आप आस्थावान हो, आप हर पत्थर पत्थर में परमात्मा देखते हो, तो हर पत्थर में परमात्मा देखने की दृष्टि ये
द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो बन सकता है, पर्यार्थिक न्याय का विषय नहीं बनता। परंतु पूजा द्रव्यार्थिक न्याय से नहीं होती है, पूजा पर्यार्थिक न्याय से होती है। गजब। पूजा द्रव्यार्थिक न्याय से नहीं होती है, पूजा पर्यार्थिक न्याय से होती है। जब तक पत्थर में पर्याय प्रकट नहीं करेंगे रंतदेव की, तब तक उस पत्थर की पूजा नहीं कराएंगे। इसके साथ गुणानुरूपण भी होना चाहिए तत्पर्याय में। ठीक, एक विषय में कई विषय प्रकट हो रहे हैं। अब आप जैन हो इसलिए श्वेत सागर आपको मैं प्रमाण मानूं, अभी ये विषय भिन्न विषय जा रहा है। हम तो उस प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं, आप जैन हो करके जैन ग्रंथों के अध्येता हैं, कुशल ज्ञाता हैं, आपकी बात प्रमाण थे। आप किस प्रमाण से बोल रहे हो? जैन होने बाद से आपने बोल दी उस बात को नहीं मान पाएंगे। आपके जैन ग्रंथों में जो लिखा है वो बताइए मुझे, ये आपको सीखना चाहिए। गोमटेस के इति सम्मेलन के गोमटेश्वर में जो मुनिराज आचार्य संघ थे, वहाँ एक विशेष बात हमने देखी और आपको भी समझना चाहिए। वहाँ प्रवचन की भाषा नहीं चल रही थी, प्रवचन की भाषाएं तो बहुत लोग बोले। एक सज्जन बहुत अच्छे साधक थे, वो प्रवचन की भाषा प्रारंभ किए, उन्हें वहीं टोक दिया गया। बोले तुमसे प्रवचन नहीं सुनना, आप प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण यानी आगम में जो लिखा वो बता दीजिए आप। अब प्रश्न ना, आप प्रवचन के कुशल वक्ता तो हो चुके हो, भावनात्मक व्याख्यान करना जानते हो, पर तुम जहां से बोल रहे हो उसका प्रमाण तुम्हारे पास है कि नहीं? वो नहीं दे पाए ना, तो प्रमाणिक पुरुषों की सभा में तुम्हारा प्रवचन कितनी श्रेष्ठ होने पर भी प्रमाणित नहीं कहलाएगा। जैसे गृहस्थिक बातें छिड़ के बैठ जाओ, मैत्री भाव लेके बैठ जाओ, वात्सल्य की बात लेके बैठ, वारा भावना लेके बैठ जाओ, तो ये वहां तक ही रहेंगी। कोई सैद्धांतिक विषय होगा तो आपको प्रमाण खोल के देना पड़ेगा आगम से। ठीक है, अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा पंडित जी? इसलिए मौन बैठे हुए हैं क्योंकि इनका स्तर का विषय चल रहा है, ये बोल नहीं सकते अभी। प्रमाण संप्लव भी नहीं होना चाहिए, प्रमाण ऐसे होना चाहिए जैसे दाल में नमक। पर दाल में नमक उसकी सीमा है, नहीं तो पूरी दाल खराब हो जाएगी। दूध में आप मिश्री घोलो, शक्कर घोलो, बूरा भी घोलते ना, उसकी सीमा है। बहुत ज़्यादा घोल दोगे ना, दूध का रंग बदल जाता है और दूध बहुत मीठा लगने पर बेकार लगने लगता है, उसकी सीमा है। फीका रूप मीठा, अच्छा गर्म, वो दूध उसको स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए अब हम प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं, प्रमाण देना चाहिए। अब एक घंटे हमने आपको उपदेश दिया, आपने एक विषय पर इतने प्रमाण दे दिए। आगम प्रमाण सुनते तुम्हारे लिए, हमें ज्ञान दो, तुम बहुत प्रमाण लेके आए हो, लेकिन विषय तुमने तो नमक का बोरा रख दिया है। आपने नमक का बोरा रख दिया है, प्रमाण संपलो ये दोष है। न्याय की भाषा में प्रमाण संपलो दोष है। अब प्रमाण देना चाहिए विषय को बोलते हुए। ठीक, तो गोमटेश में वो विशेष बात देखने को मिली, सभी जो आचार्य विद्वान आचार्य थे, विद्वान मुनिगण थे, वे सब जो बात कर रहे थे वो प्रमाण के साथ बोले, हमको ग्रंथ का प्रमाण चाहिए। ठीक है ना, बिना प्रमाण के बात नहीं है। थीसिस भी उसी का अर्थ होता है। डॉक्टर्स जो करते हैं वो आप जो लिख रहे हो उसका प्रमाण चाहिए। जो विषय आप लिख रहे हैं ना उसके और ग्रंथों में कहाँ क्या क्या लिखा है वो प्रमाण चाहिए। बिना आधार के तुम्हारी बात प्रमाणित नहीं मानी जाएगी, भले आपके दर्शन के ग्रंथों, उन ग्रंथों का प्रमाण लेके आइए आप। ठीक, इसलिए न्याय शास्त्र कह रहा है आप लोग कितने ज्ञाता रहो लेकिन हम तुम्हारे साथ यदि हैं तो आपकी तार्किक व्याख्या होगी, वो हम आपके साथ नहीं है। तो ऐसा मान के चलिए घर गृहस्थी में लोग अपने घर चला रहे हैं, घर गृहस्थी में लोग अपने घर चला रहे हैं, हर व्यक्ति जी रहा है, अपना कुटुंब चला रहा है, परिवार चला लेता है, लेकिन एक विशिष्ट रूप से जीना, विशिष्ट जीवन। देखो भैया उपदेश हर व्यक्ति कर ही लेता है,
जो भी साधु होता है लोग महाराज नाम सुनते ही माइक लगाते हैं, बराबर कि नहीं? एक माइक लगना, एक माइक पे बोलना वो अलग विषय है। एक तुम्हारा वक्तत्व कला से ओत प्रोत होकर के आप प्रमाणिक नए निक्षेप के साथ व्याख्या कर रहे हो, वो तुम्हारा वक्तव्य का विशिष्ट है। तो वक्तव्य का विशिष्ट, वक्तव्य का विशिष्ट, इसलिए अदृश्य श्लोक पढ़ लिया है आपने, अर्थ नहीं हुआ। अदृश्य अनुपलब्धि भी निषेध का हेतु है, अदृश्य अनुपलब्धि भी निषेध का हेतु है। ऐसा नहीं मानेंगे हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हवा चल रही कि नहीं, हम नहीं अनुमान कर पाएंगे ठंडी लग रही कि नहीं, हम नहीं अनुमान कर रहे हैं गर्मी है कि नहीं। और मालूम चला तुम जिंदा को जला के आ जाओगे, आप जिंदा को जला के आ जाओगे, इसलिए आपको बोध होना चाहिए तदाकार विकार अनुत्पत्ति। हाँ, तदाकार अनुत्पत्ति, उसके उष्णता आदि की उपलब्धि नहीं होगी। विदुर जानन्ति, विदुर जानन्ति, कैसे जानते के लोके का विदुर जानन्ति, विदु विदु रा का विसर कर दो, विदु ज्ञानार्थ में जानन्ति, विदु यानी ज्ञान है, तो विदुर जानन्ति के लोके का। देखो आज कितनी शांति से आप एक एक अच्छा सुनाई पड़ रहा सबको। लोके का अपि शब्दोत्र दृष्टव्य, लौकिक जन भी इस शब्द से आपको जानना चाहिए, जन सामान बाल गोपाल भी इस बात को जानता है। मैंने आपको यही तो कहा था, चीटी जीवित है पूछा था ना उस दिन, तो ये विषय है। तो लौकिका भी शब्दोत्र दृष्टव्य, लौकिक जन भी इस शब्द को जानते हैं। तें लौकिका भी लौकिक कौन, सबसे पहले इनको पकड़ा जाता है गोपाल आदिओपी, मतलब विचारों पूरी बिल्कुल ऐसे मान के चला गया है बाल गोपाल। अब देखो ऐसा है, इसमें आप लोग आश्चर्य नहीं करना। देखो श्वेत सागर, आपके सामने हर व्यक्ति जी सके ये बहुत बड़ी करुणा है। कैसी करुणा है? अब इसको प्रिंस सागर आपको विशेष ध्यान से सुनना है, तो समझ। सारस्वत जी सद्भाव, सभी मुंडराजों से कह रहे हैं संजंत बेटे, एक बहुत गहरी वाली करुणा की व्याख्या कर रहा हूँ, इन पे भैया तुम हम पे करुणा करो, आगे देखो, एक बहुत पीछे देखो करुणा करो। तो एक करुणा है, वो करुणा क्या है सुनो। ये वाली दया विद्वानों के पास आना चाहिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये वाली दया साधकों के अंदर आना चाहिए। विशिष्ट ज्ञाता आचार उपाध्याय साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये वाली दया आना चाहिए पंडित राकेश के अंदर। इस दया की व्याख्या आज तक आपने की नहीं, उस दया की व्याख्या मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने। हालांकि मैं इस दया पर जीता हूँ, बराबर जीता हूँ। बोले कैसा? मैं विशिष्ट ज्ञाता हूँ, इस बात को झलकाना नहीं मुझे। विशिष्ट ज्ञाता होने से अभी मैं सोच गया था, वहाँ सोच रहा था बैठा बैठा, बुद्धिमत, इस पर चिंतन कर रहा था मैं बैठा बैठा, बुद्धिमत, कि मेरे मन में भाव आ गया। 12 में हुआ था ना जयपुर में, आप भी थे ना, बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, मुझे मालूम था जितने प्रश्न करने वाले हैं, समझ गए ना आप, भी हमारे एक फुंझड़िया की भी नहीं थी। तब भी हमने सोचा नहीं, इन विचारों को इसमें आनंद आ रहा, इनको खुशी मिलती है, इस खुशी में इनको जीने दो। यदि मेरे निमित्त से कोई खुशी मिल रही है, उनकी वही क्षमता थी, उनकी वही योग्यता थी। अब माना कि
हमने बहुत ज्ञान बखेर दिया, किसी का स्तर बहुत कमजोर है, वो दो मिनट के अंदर हीन भावना में चला जाएगा, आपकी बात हम डिप्रेशन में चला गया, वो चेहरा बता देती तुरंत ही, आंखें पानी छोड़ देती हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में दूध पानी छोड़ देता है, दही पानी छोड़ देता है, और जिसने पानी छोड़ा मतलब वो बिगड़ गया। ऐसे ही जीव का चेहरा पानी छोड़ता, आंखें पानी छोड़ देती है, तो आंखें पानी छोड़ ली मतलब बेचारा हीन भावना में डूब चुका है। कई बार अपने ज्ञान के कारण, अपने ज्ञान के कारण लोग पागल हो जाते हैं, वो अपन को मालूम नहीं चल पाता, वो बताते भी नहीं है। बिल्कुल प्रेम से मिलो तो वो आदमी से बात करो तो कहेगा, जैसे कि कोई किसी कन्या को देख करके मोहित हो गया, अब घर के लोग तो उपचार करा रहे हैं, वो बीमार था ही नहीं, वो काम के बेग में बीमार पड़ा था, काम के बेग बुखार भी आता है, डिप्रेशन भी चला गया, तुम दवाई खिला रहे हो उसको, या तो उस लड़की को बाहर निकलवा दो उसके मस्तिष्क से, या फिर लड़की दिला दो, दो ही काम है उसको ठीक करने की, या तो दिला दो या निकलवा दो, अन्यथा वो पागल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ध्यान रखना, आपके पास बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे, आप अच्छे ज्ञान की बात करो, उच्च स्तर की बात करना, धीरे धीरे सब खिसक जाएंगे, जो जिनको पसंद हो वही बैठेंगे। हम तो इसका रोज प्रयोग करते हैं, लगिस्त्र में कितने लोग बैठते हैं, रायवार में कितने लोग बैठते हैं। अब लोग बहुत सारे हमसे बोलते हैं, जैसे दीपक आए, बोले मारे क्यों नहीं बैठे, क्यों चले गए? अब दीपक को थोड़ी मालूम, रहस्य तो मैं मालूम है ना, बेटा उनको जाने दो, उनका सिर फट जाएगा। चक्रे जैसा व्यक्ति, चक्रे जैसा ज्ञानी, वो कहता मेरे से मेरा सिर फट रहा है, अरे मैं आपके लिए तो ग्रंथ प्रारंभ किया था, बोले नहीं झिल रहा। और टीका मुड़ी याद करो आप, वेद वेदक भाव, भाई भावक भाव, तो ये बातें अपन को ध्यान रखना चाहिए, कौन स्तर का आदमी है उस स्तर की बात करें ना, ये भी एक हत्या है। पंडित सुनो, यदि आपको मेरी बात जम रही हो तो आप तो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल 100% सत्य है, वो विषय अलग है। हम ज्ञान के काल में, मधुरूप ज्ञान के काल में पर के भावों को समझ नहीं पाते, लेकिन उसका चेहरा कहता कि हत्या हो रही है, मुझे मालूम है आदमी डांटने लायक है, तब भी मैं डांटना नहीं, मुझे क्यों नहीं डांट रहा, ये मुझे घुमा रहे भी मैं जानता हूँ, नहीं डांटूँ, क्यों? अरे उसके भावों की हत्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अपमान जो देख चुका है उसे बोध होता अपमान का कष्ट कितना होता है, सम्मान जो पा चुका है उसे मालूम सम्मान का सुख कितना होता, काम कराने के बाद उसका सम्मान करना चाहिए, आप उन्हें सुबह दिखा दिया बराबर कितनी पीड़ा होती है, और जीव ने सुना लिया ना वो हल्का हो गया। कुछ लोगों के पास फ्री में काम नहीं करना चाहिए, जो उसकी कीमत नहीं करते, पहले उसे पूरा पैसा निकाल लो, बाद में भले वापस कर देना, बहुत गहरे विषय है, ये न्याय है। तो उपलब्धि हेतु, अनुपलब्धि हेतु, लोके जनापी कभी किसी से मत गए तो गोपाल है, बहुत पीड़ा है, सो है अपन समझ रहे ना, गोपाल आद्योपी किम पुनः परिच्छका इत्यर्था, जब जिस बात को गोपाल जान सकता है तो अन्य परीक्षक के बारे में तुम क्या बात करते हो। जिस बात को गोपाल जान सकता है अन्य परीक्षक जानते हैं, अरे गाय चराने गया है उसकी गाय की मृत्यु हो जाए तो वो भी देखता है भैया सांस चल रही कि नहीं चल रही है, हाँ सांस चल रही है, अरे बहुत कुछ जानते हैं, वो गाय फंस गई थी रास्ते में, ओ सरवार साहब जी तो ग्वाला आया था तो उसने स्वयं बोल दिया
नहीं वो बचेगी नहीं, वो तो गई, उसने बोल दिया जैसी गाय थी, वो गाय हमारे सामने से अंदर गई थी। सोचो कर्म की लीला, वो गाय घूमते घामते हमारे सामने से निकली थी, वहाँ जाके बेचारी फंस गई, कोई बचा नहीं पाए। कम अभाव असत्तम, कम किसको? ये बाल गोपाल जानते हैं, फिर परीक्षक क्यों नहीं जानता? कम किसको? अभावम असत्ताम, अभाव असत्ता, असत्ता को, असत्ता असत्ता को, असत्ता को परीक्षा मुख्य सूत्र लाइए भाई, यहाँ पर तुरंत लेके आए तुम्हारी परीक्षा, परीक्षा मुख लेके आए जल्दी आ। असत्ता को, असत्ता को परीक्षा मुख परिचय सुयत सागर सुयत शेरवा सा पिनी सागर अस्मिन भूतले घटम नास्ति, ठीक है ना? अवस्तु नहीं, हम जैन होके बोल रहे हैं क्योंकि हमारा न्याय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, न्याय शास्त्र पढ़ा क्यों रहे हैं? अवस्तु नहीं असत, तो अवस्त अवस्तु नहीं, असत्ता अवस्तु नहीं। सदैव सर्वम कोने चे स्वरूपा चतुष्टया, असत पर चतुष्टय की अपेक्षा से, तो पर क्षेत्र अपेक्षा, पर काल अपेक्षा, पर भाव अपेक्षा, बराबर ने चतुष्टय शब्द जोड़ दिया। अस्मिन भूतले घटम नास्ति, यह असत्ता घट की है, घट की असत्ता नहीं है, इस भूतल पर घट नहीं है, बराबर। नकी अभावादियों जैसे अवस्तु, अवस्तु भूत नहीं, वस्तु भूत असत, इसके बल पर आप भगवान बनोगे। सुयश सागर जी, अब भी आपके अंदर सिद्धत्व की अवस्तु है, अवस्तु नहीं असत्ता, अवस्तु नहीं है, तो वस्तु रूप वर्तमान में पर्याय में असतपना है, आपके द्रव में भी असतपना है। अब सुनो, आप जैन न्याय की कक्षा में बैठे हो, कहीं आप द्रव्यानुयोग की दृष्टि को न्याय से नहीं लगा पाए तो तुम सत्कारवादी मिथ्या दृष्टि कहलाओगे आज से, ये राकेश को समझना चाहिए, ये राकेश पंडित जी को भिंडी को समझना चाहिए। आप लोग समय सार के चक्कर में, समय सार का दोष नहीं है, आपकी बुद्धि के चक्कर में, समय सार में तो सही लिखा है, आपकी बुद्धि के चक्कर में कई आपने अपनी आत्मा में त्रिकालिक सिद्ध प्रकट अवस्था स्वीकार कर ली, बस पर्याय में अशुद्धि है, पर्याय की अशुद्धि है, द्रव में अशुद्धि है ही नहीं है, ऐसा तुम मान के बैठे, त्रिकालिक मान के बैठे थे ऐसा सर्वथा एकांतिक, तो मित्र आप सत्कारवादी मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। बोलो भाई, मोहन है क्या? तो जिनवाणी बोलने के लिए मोहन है तो फिर इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? बोलो जल्दी, सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुझे दिख रहा है हम अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से सिद्ध पर्याय का अहा मार रहे हैं, क्योंकि इसलिए उस पर्याय को प्रकट करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर शक्ति रूप में स्वीकार कर रहे हैं, शक्ति रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आविर्भाव त्रोभाव सिद्धांत नहीं है हमारा। अब शक्ति रूप में कैसे? बहुत बढ़िया सुंदर शब्द बोला, शक्ति रूप में कैसे? कारण शक्ति रूप हूं, अभी कार्य शक्ति नहीं है, कार्य शक्ति तो कारण शक्ति व्यक्त होगी तब कार्य शक्ति प्रकट होगी, कारण कारण परमात्मा, इसलिए सर्वत्र समय सार में कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की व्याख्या है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, अर्यंत परमात्मा कारण परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा, बिल्कुल बराबर। और जब सत्य बात हमारी स्पष्ट होती ना तो स्वयं का हृदय बोल देता है ये बात आगम की पूर्ण समझ में आ चुकी है। अब यहाँ बैठ के ऐसी कक्षाएं पढ़ोगे ना तब आपको मालूम चलेगा कि अब हम ज्ञाता भर रहे हैं। सामान्य जगत को लुभा लेना अलग विषय है,
लेकिन तत्ववेत्ताओं को समझा पाना कठिन है। वहां मैंने देख लिया गुमटेश्वर में, उन महाराजों को संभाल नहीं पाया था। बोले भाई उनने स्पष्ट बोल दिया भरिस्वा में, बोले प्रवचन नहीं, सुब्रत सर याद है आपको, बोले प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं, प्रमाण है तुम्हारे पास तो बोलिए, नहीं है प्रमाण तो चुप रहो, और तुम्हारे थोते थोते तर्क नहीं, प्रमाण वाले तर्क चाहिए, आगम वाले तर्क दीजिए आप। अब यदि लघुस्तरी पढ़ करके ऐसी सभाओं तुम उपस्थित होते हो, आपका और अलग से रूप दिखाई देगा। इसलिए प्रत्येक छात्र से मैं कह रहा हूं, आप लोग लघुस्तरी को अपना ऐसा प्राण मान के पढ़िए, हम पढ़ाने को तैयार हैं। यदि ऐसे मन से पढ़े आपको गुण गुण विद्या सिखाएंगे। आज आनंद आया आपको, कल मिलते हैं, ठीक है।